जो है मैं अभी अभी घर से निकली हूँ और आज जो है मैं अपने दोस्त के साथ ऐसे ही हम लोग ना सिटी सेंटर घूमने जा रहे हैं। अभी मैं फ़िलहाल जो है वो बस का वेट कर रही हूँ। तो सिटी सेंटर में एक दफ़ा ना मैंने दो शॉप्स देखी थी। एक तो जो थी वो बहुत ही कोई ज्वेलरी रिलेटेड ज्वेलरी वाला स्टोर था, वो बहुत ही प्यारी प्यारी ज्वेलरी लगी हुई थी, मतलब बाहर जो मुझे नज़र आई ना, तो मुझे वो स्टोर अंदर से देखना है। और एक ना टॉय स्टोर भी है, मुझे वो भी अंदर से देखना है। तो हम पहले वहाँ जाएंगे, वो स्टोर्स घूमेंगे। आई होप वो आज, हाँ आई थिंक आज तो वर्किंग डे तो खुले हुए ही होंगे, तो वो मैं देखूंगी। हो सकता है शायद वहाँ से मैं कोई ज्वेलरी ख़रीद लूँ, क्योंकि मुझे ना ऐसी ज्वेलरी जो कि बहुत थोड़ी एंशियंट टाइप होती है ना, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। तो बस अभी मैं बस का वेट कर रही हूँ, 1 मिनट में आने वाली है बस। तो फिर मैं वहाँ जाऊँगी, स्टोर जाएंगे, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि और हम आज कहाँ घूमते हैं। जो है मैं बस में बैठ गई हूँ और मुझे एक चीज़ दिखानी थी। अभी ना कुछ दिन पहले ना मैंने नोज़ रिंग खरीदी है। मेरे पास एक्चुअली नोज़ पिन थी, नोज़ रिंग नहीं थी, और मुझे नोज़ रिंग पहनने का ना बहुत दिल चाह रहा था। तो एक्चुअली ये वाली जो मैंने नोज़ रिंग ली थी ना, ये एक्चुअली थोड़ी सी बड़ी है ना मेरे नाक में ना। तो एक्चुअली कल क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन ना मेरी नाक से ना मेरी नोज़ रिंग मतलब वो तकिए में अटक के ना निकल गई थी बाहर। जब मैंने उसको उसकी ना शेप थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई थी, जब मैंने उसको जो है वो वापस अपनी नाक में पहना ना, तो वो ये इस तरीके से मैंने इसको ना डबल करके अपनी नाक में ना बिल्कुल वो कर ले, क्योंकि मुझे ऐसी ही नोज़ रिंग चाहिए थी जो बिल्कुल नाक में ना एक साथ पूरी वो हो जाए, मतलब उसमें बड़ी ना लगे। और मैंने इसको तरीके अपने खुद ही अपनी तरफ से ना इसका एक वो पहनने का तरीका निकाल लिया, और मुझे ना बहुत ही प्यारा लग रहा है। जो हूँ अभी इस टाइम बिल्कुल मेन सिटी सेंटर में हूँ, और मेरा अराउंड जो है ये बहुत इतनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स है सारी मेरे अराउंड। और अभी रास्ते में मैंने एक बिल्डिंग देखी है जिसके ऊपर ना पूरे वो रेड लीफ से कवर हुई हुई है ना, तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाके ना अपनी पिक्चर्स खिंचवाऊंगी। अभी फ़िलहाल जो है मैं अपने दोस्त का वेट कर रही हूँ, और मेरे मोबाइल में एक्चुअली डेटा भी नहीं है, तो मैं उसको कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकती। आई मीन मेरे मोबाइल में बैलेंस भी नहीं है कि मैं उसको कॉल भी नहीं कर सकती, लेकिन हो सकता है शायद वो खुद ही थोड़ी देर में मुझे कॉन्टैक्ट कर ले। लेकिन बस मुझे ये दिखाना था कि मेरे पूरे चारों तरफ इतनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हैं। मुझे नहीं पता कि ये ऑफिसेज हैं या क्या हैं, कुछ तो शायद चर्चेज भी हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत इतने खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे लोग जो है, यहाँ पे बेंचेस इन्होंने इतनी अच्छी बनाई हुई है कि लोग जो है वो रेंडमली भी आके बैठ सकते हैं, और ऐसे जस्ट मतलब कुछ ना भी करना हो बस आके बैठे और ब्यूटी को एडमायर करें। मैं जो हूँ यहाँ पे अभी रैंडमली ही खड़ी हुई हूँ, और यहाँ पे जो है ना ये एक पूरा कैरेज आ गया है, और इसके साथ ये सारे घोड़े हैं, और इतना प्यारा लग रहा है। जो है मैं एक ज्वेलरी शॉप में आई हूँ, जो कि एक्चुअली वो वाली ज्वेलरी शॉप नहीं है जहाँ पे मुझे जाना था, लेकिन फिर भी ये वाली शॉप तो बहुत अच्छी है। और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे सारे नेकलेसेस हैं, और तस्बीहाँ भी, इवन तस्बीहाँ भी रखी हुई हैं, और यहाँ पे कपड़े भी हैं। अभी मैंने पूरी शॉप देखी नहीं है, मैं ऐसा ऐसा देख रही हूँ, लेकिन चीज़ें जो है ना वो महंगी हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे जो है ये पीसेस भी बहुत अच्छे लग रखे हुए हैं, यानी कि जो लोग इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ पे आके ये चीज़ें ज़रूर खरीद सकते हैं। है मेरे पीछे एक वो वाली बिल्डिंग है जिसके ऊपर ना पूरे वो रेड लीव से कवर है, जो मैंने मुझे अभी रास्ते में देखी थी। तो मैं भी उस बिल्डिंग तक गई थी, लेकिन बिल्कुल उसके आप सामने नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ पे खड़े होकर मैंने कुछ पिक्चर्स खिंचवाई हैं अपनी, जो कि इतनी अच्छी नहीं आई, बस नॉर्मल आई है, लेकिन वो बिल्डिंग वैसे बहुत प्यारी है। और ये मेरे पीछे पूरी जो है ना ये लेक है। जो है मैं और मेरा दोस्त जो है वो हम लोग अभी रतीना मॉल आए हुए हैं, और इससे पहले ना एक्चुअली हम लोग एक चर्च गए थे। वो चर्च ना बाहर से बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि उसको अंदर से देखूँ, लेकिन वो चर्च ना अनफॉर्चुनेटली आज बंद था ना, तो वो कल खुलेगा, तो हमें ये पता नहीं था। तो खैर अभी हम लोग मॉल आ गए, कुछ चीज़ें देखनी है, फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ से हम कहाँ जाएंगे। है मैं और मेरे दोस्त हम लोग ना बर्गर किंग आए, और हम लोगों ने एक ब्राउनी ऑर्डर की है, और वो आइसक्रीम के साथ आती है। मैं फ़र्स्ट टाइम खाऊंगी, लेकिन मेरा दोस्त काफ़ी मरतबा खा चुका है, उसने बहुत तारीफ़ की उसकी, तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। इससे पहले जो है ना अभी उसने जो है ना कुछ दिन पहले आईफोन 15 खरीदा है, आईफोन 15 प्रो खरीदा है,
तो उसका ना अभी हम लोगों ने मोबाइल का वो स्क्रीन प्रोटेक्टर लिया है यहाँ पे, और ये हमें 25 का मिला। मतलब आईफोन तो वैसे ही इतना महंगा है, फिर ऊपर से उसका स्क्रीन प्रोटेक्टर, उसका चार्जर और सारी चीज़ें ना मिलाकर आपका अच्छा खासा खर्चा आता है। तो खैर अभी हम लोगों ने वो स्क्रीन प्रोटेक्टर लिया है, और मैंने नॉर्मल वाले स्टोर से ना अपनी फेवरेट ये वाली मैक्रोनी ली है। इसका जो है ना, इन्होंने थोड़ा सा वो चेंज कर दिया है ऊपर से लुक ना, क्योंकि मैंने इससे पहले ली थी ना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लुक था, लेकिन अब जो है ना इसका थोड़ा सा डिफरेंट लुक आया है। तो लेकिन खैर मेरे पास ये ख़त्म हो गई थी, तो मैंने इसके दो पैकेट खरीदे हैं, क्योंकि ये अच्छा होता है कि कभी आपको घर पे खाने की मुश्किल हो रही होती ना, तो ये जल्दी से बन जाती है और आप इसको अभी इजली खा लेते हैं। तो खैर अभी हम लोग यहाँ पे बर्गर किंग में बैठे हुए हैं, और अभी हम अभी ऑर्डर हमारा प्रिपेयर हो रहा है, अभी थोड़ी देर में आएगा जो है ना ऑर्डर आ गया है। और वो क्वांटिटी तो मुझे बहुत ही कम लग रही है, लेकिन खैर इसके ऊपर आइसक्रीम है, और अंदर जो है ना गर्म गर्म ब्राउनी है, क्योंकि मैंने अभी हाथ में उठाया हुआ है ना, तो नीचे से गर्माहट आ रही है। अब मैं इसको खा के देखती हूँ कि इसकी जितनी हाइप जो है मेरे दोस्त ने क्रिएट की हुई थी, ये उस काबिल है भी या नहीं। अब जो है हम लोग एक फर्नीचर शॉप में आए, तो वहाँ पे अभी हम लोग डिफरेंट चीज़ें हैं वो देख रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे पीछे ना, यहाँ पे डिफरेंट तरीके के तकिए रखे हुए हैं, गिलाफ हैं, और जो है वो इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे सोफे रखे हुए हैं, चार इनके ऊपर लेट जाऊँ ना बिल्कुल ऐसा। और यहाँ पर बहुत अच्छी डेकोरेशन की और फर्नीचर की चीज़ें हैं, जैसे डाइनिंग टेबल है पूरी जो है ना, ये भी इतना अच्छा है, और पेंटिंग जो आई थिंक सो हैं शायद ना, कबर्ड रखे हुए हैं, बेड्स रखे हुए हैं, और इस पर जो है ना आज काफ़ी सेल चल रही है ना, 50% 70% ऑफ है। और अभी मैं जिस एरिया में जा रही हूँ ना, ये पूरा बेड वाला एरिया, ये जो है ना ये पूरा बेड वाला एरिया, दोनों साइड के ऊपर ना बेड्स ही बेड्स लगे हुए हैं यहाँ पे, बहुत प्यारा है। और ये यहाँ की बहुत फेमस शॉप है, तो यहाँ पे आप आके ना अपने फर्नीचर का सामान देख सकते हैं। मुझे शॉप का नाम की प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, JYS के नाम है जो उसको बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी आजकल सेल लगी हुई है, तो यहाँ पे कोई भी आकर ना अच्छे प्राइस में चीज़ें ले सकता है। इस टाइम मैं एक ब्रिज के ऊपर चलने जा रही हूँ, जो कि बिल्कुल जो यहाँ पर रतीना मॉल है मेरे पीछे, बिल्कुल उसके सामने ये ब्रिज है, और ये पूरा ब्रिज है जो पूरा वहाँ तक जा रहा है, और इसकी दोनों साइड पर जो है वो पानी नज़र आता है। ये जो है ये एक मतलब एक लेक है, और दोनों उसके ऊपर ये बना हुआ है ना, तो मेरे पीछे ये पूरा पानी नज़र आ रहा है। और फिर अगर हम इस साइड के ऊपर आएँ तो यहाँ पे भी जो है ना वो पूरा पानी नज़र आ रहा है, इतना खूबसूरत और इतना प्यारा लग रहा है। और एक जो है ना उस साइड के ऊपर भी एक ब्रिज है, वो भी एक ब्रिज है, लेकिन अभी हम लोग तो है ये वाले ब्रिज के ऊपर आए हैं, और काफ़ी लंबा है, पूरा आगे तक हम जाएंगे। फिर उसके बाद मेरे पीछे बिल्कुल कौशिक कैसूस मॉल है, हम लोग उसमें जाने का सोच रहे हैं। तो अभी पहले हम लोग इस ब्रिज के ऊपर आए ताकि कुछ पिक्चर्स वगैरह लें, और मैंने सोचा कि मैं वीडियो में दिखाऊं कि ये ब्रिज कितना खूबसूरत है, और दोनों साइड में पानी भी इतना अच्छे तरीके से फ्लो हो रहा है, और इस पर कोई रश भी नहीं है, और हवा भी इतनी अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। कौशिक कैसूस मॉल में आया, और अंदर एंटर होती रही, यहाँ पे ना टेस्ला खड़ी हुई है, और इतनी प्यारी लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है, और इतना ये शाइन कर रही है। इंशाल्लाह लाइफ में कभी पैसे होंगे ना तो मैं ज़रूर खरीदूँगी। है मैंने और मेरे दोस्त ने यहाँ पे ये एक मसाज चेयर है, हम लोगों ने इस मसाज चेयर के ऊपर मसाज किया, मैंने अपनी लाइफ में पहली मरतबा लिया, उसने पहले भी लिया हुआ था। तो यहाँ पे एक्चुअली कितनी देर का, 6 मिनट्स का जो मसाज है वो 2.9 का है, फिर उसके बाद 10 मिनट्स का 3.9 का, तो हम लोगों ने भी 5 मिनट्स वाला दिया, लेकिन बहुत अच्छा था। उसने पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जो है ना पूरी बॉडी में मसाज दिया, हाथों को टांगों को, तो बहुत ही अच्छा था। तो अगर कोई यहाँ पर है वो मसाज लेना चाहते हैं, तो वही कौशिक कैसूस मॉल में आके बहुत ईजीली ले सकता है। मैं फाइनली घर आ गई हूँ, अच्छा खासा टाइम बाहर स्पेंड करके, बहुत कुछ करके, बहुत कुछ एक्सप्लोर करके, हमें फाइनली घर आ गई हूँ। अब बस मैं खाना खाऊंगी, और वही जो मैक्रोनी मैंने अभी दिखाई थी वो खाऊंगी, वो बना के खाऊंगी, और फिर वही अपना थीसिस का काम कंटिन्यू करूंगी ना। तो अगर आपने मेरा व्लॉग यहाँ तक देखा है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।